अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नवीद अहमद शेख है और मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज हम फिर हाजिर हुए हैं आपके पास एक नए टॉपिक के साथ, एक नए से दिन के साथ। टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं। मैं आप लोगों के मैसेजेस से काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे इतने सारे मैसेजेस किए, मैं थोड़े दिनों के लिए गायब हो गया था, आई वॉज नॉट हेयर, तो मैं थोड़े सी मसरूफियात की वजह से एक्चुअली वीडियोस नहीं बना पा रहा था। तो आज मैं फिर आपके साथ हूँ, तो इसमें ये कोई बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है कि डॉक्टर साहब आप कहाँ चले गए हैं, आपकी वीडियोस क्यों नहीं आ रहे। तो आई एम हियर विथ यू गाइस, सो प्लीज डोंट वरी अबाउट मी एंड ऑल दिस सेशंस। अच्छा, अब हम बात करते हैं हार्ट फेलियर के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट फेलियर, दिल का फेल होना। तो सबसे पहले तो दिल क्यों फेल हो जाता है, दिल कैसे फेल होता है, और उसकी उसकी ट्रीटमेंट क्या होंगी, और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट मोडालिटीज क्या क्या हो सकती हैं, इन सब पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हार्ट फेल क्यों होता है। तो दुनिया में हार्ट फेलियर की सबसे कॉमन जो वजूहात हैं, उनमें से सबसे सरे फहरिस्त जो है वो दिल का दौरा है, जिसको हम इस्कीमिया बोलते हैं, दिल का अटैक बोलते हैं। दिल के अटैक हो जाने की वजह से दिल के पट्ठे बैठ जाते हैं, उनको उनके अगर दिल के पट्ठे बैठ जाएं और फिलफौरी वक्त पर हमने वो जो शरियान जो बंद हुई है जिसकी वजह से दिल का अटैक हुआ है, अगर हम वो नहीं खोलते हैं तो दिल के पट्ठे बैठ जाते हैं, और अगर वो मुस्तकिल तौर पे बंद रहे तो दिल के पट्ठों का जो फंक्शन है वो वापस नहीं आ पाता। जब दिल के पट्ठों का फंक्शन वापस नहीं आ पाता तो दिल फेल हो जाता है, जिसकी वजह से अभी हम बात थोड़ी देर में बात करेंगे कि किस तरह के सिम्टम्स और साइंस नमूदार होते हैं। इसकी और भी बहुत सारी वजूहात हैं, जैसे गठिया का बुखार होना या कोई इस तरह का जोड़ों का बुखार हो गया जिसकी वजह से दिल पे वर्म आ गया, दिल पे बोझ आ गया, तो इन सारी वजूहात की वजह से आपका दिल फेल हो सकता है। और भी बहुत सारे, दिल की धड़कन तेज रहने की वजह से भी आपका दिल फेल हो सकता है, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ रहे अगर मुस्तकिल तौर पर, तो उसकी वजह से भी आपका दिल फेल हो सकता है। तो ये सारी वजूहात हैं दिल के फेल होने की। अब दिल के अंदर दो जो हैं बड़े खाने या चैम्बर्स बोलते होते हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। अगर लेफ्ट साइड फेल हो जाए तो हम उसको लेफ्ट हार्ट फेलियर बोलते हैं, और अगर राइट साइड फेल हो जाए तो हम उसको राइट हार्ट फेलियर बोलते हैं। अब हम सब जब हम बात करेंगे तो हम एक जनरली फेलियर के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम उनके ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। तो जो सबसे ज्यादा खतरनाक और जो परेशान कौन चीज है वो है लेफ्ट हार्ट फेलियर। लेफ्ट हार्ट फेलियर में क्या होता है, दिल के पट्टे जिस तरह हमने बात की वो बैठ जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी सांस फूलती है। इसमें दो तरह के मरीज होते हैं, जिनके एकदम से दिल के पट्टे बैठते हैं दिल के अटैक की वजह से, उनके सांस घर पे एकदम से बैठे बैठे सांस फूल जाती है और बहुत तेज तेज वो सांस लेने लगते हैं। जब अस्पताल आते हैं तो आपके डॉक्टर साहब आपको बताते हैं कि इनको दिल का अटैक हुआ और उनके दिल के पट्टे बैठ गए। दूसरे वो मरीज हैं जिनके आस्ता 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 दिल के पट्टे बैठते हैं और दिल फेल हो जाता है, और आपके डॉक्टर साहब आपको बताते हैं कि इनका दिल फेल हो चुका है। तो इनमें सबसे पहले जो है वो सांस तेज होना, दिल की धड़कन होना, ये जो है कॉमन है आपके दिल के फेल होने की अलामतों के अंदर। और अगर यही राइट हार्ट फेल हो जाए, जिसमें हम बोलते हैं आपके राइट साइड का जो चैम्बर है वो फेल हो जाए, जिसको हम राइट हार्ट फेलियर बोलते हैं, उसमें आपके पैरों पे सूजन आना, चेहरे पे सूजन आना, पीठ पे सूजन आना, और इसके अलावा आपका जिगर बढ़ जाना, दिल्ली बढ़ जाना, आपका डॉक्टर साहब को बताएगा अल्ट्रासाउंड पे कि आपका जिगर बढ़ गया क्योंकि आपका दिल फेल हो गया है। तो ये सारी अलामतें होती हैं और सिम्टम्स होते हैं दिल के फेलियर के मरीज के अंदर। अब हम बात करते हैं कि हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम कुछ दवाइयां देते हैं, कुछ दवाइयों का इनमें बहुत अच्छा रोल है। जिस तरह के दिल के अटैक के मरीज हैं, उनके अगर वो बाकायदगी तौर पे अपने दिल की दवाइयां खाएं तो उनका दिल का फंक्शन हो सकता है 6-8 महीने में वापस आ जाए। कुछ और दिल के फेलियर की कुछ ऐसी वजूहात हैं जो रिवर्सिबल हैं, जिसके अंदर हामला औरत के अंदर अगर कोई दिल फेल हो जाता है, और इसके अलावा आपको किसी बुखार या किसी ऐसी वजह से दिल फेल हो जाता है, तो उनमें हो सकता है कि दिल का फेलियर, दिल का जो फेलियर है वो ठीक हो जाए, वो रिवर्सिबल हो, दिल के पट्ठों के अंदर जान दोबारा वापस आ जाए। इस्कीमिया जिसे हमने बात की, दिल का अटैक, अगर फिलफौरी वक्त पर दिल के अटैक का इलाज हो जाए एंजियोप्लास्टी के थ्रू, तो आपके दिल के पट्ठों की जान वापस आ सकती है। अब हम बात करते हैं दवाइयां। अगर दवाइयां खाते रहें तो उससे भी 15-20% आपका दिल का फंक्शन वापस आ सकता है, लेकिन देखा यह गया है कि मरीज दवाइयां छोड़ देते हैं वो ठीक होते हैं,
तो फिर वो दवाइयां छोड़ देते हैं। जब वो दवाइयां छोड़ देते हैं तो वो फिर उनको जब सांस फूलने लगती है और वो हमारे पास आते हैं, फिर हम उनको बताते हैं कि डॉक्टर के आपको दवाइयां खानी पड़ेंगी। तो दिल के फेलियर के मरीज की जो सबसे बड़ी फेलियर है वो यही है कि वो दवाइयां नहीं खाते, डॉक्टर साहब की तजवीज नहीं सुनते, गिजा और नमक के ऊपर कंट्रोल नहीं रखते। वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अच्छा, इसके अलावा क्या वो कर सकते हैं? इसके अलावा वो ये कर सकते हैं, अगर उनका दिल का फंक्शन उनको डॉक्टर साहब बता रहे हैं 20 से 25% है, तो वो पानी का इस्तेमाल 1 या 1.5 लीटर से ज्यादा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पानी नहीं, बाकी पानी वाली हर अशिया जैसे जूस हो गया, शरबत हो गया, पाकोला, कोला, चाय हो गई, वो पी सकते हैं? नहीं, हरगिज भी नहीं। ये वो भी नहीं पी सकते अगर उनमें से कोई पानी के अलावा और कोई चीज इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता उनको नहीं करनी, अगर वो कर रहे हैं जैसे चाय का 1 कप पी रहे हैं या शरबत पी रहे हैं, तो उतना पानी उनको उस बोतल में से निकाल देना होगा। यानी इनके पूरे दिन के अंदर, इनको 24 घंटे के अंदर 1 या 1.5 लीटर से ज्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करना है, एक चीज। दूसरी चीज, उनको नमक का इस्तेमाल कम से कम करना है, क्योंकि जब भी आप नमक खाते हैं तो नमक अपने साथ पानी को खींचता है, सोखता है, तो आपके जिस्म के अंदर सूजन और दिल के अंदर सूजन और फेफड़ों में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से ये सारी अलामतें दोबारा से नमूदार हो जाती हैं। तो दिल के फेलियर के मरीजों के लिए दो चीजें इंतहाई अहम है, एक पानी और नमक। सिर्फ नमक नहीं, नमक हर उस चीज में, जैसे मसाले, मसालेदार चीजों में नमक ज्यादा होता है। अगर आप मसालेदार चीजें खाएंगे, जैसे आपने बिरयानी खा ली, मसालेदार चीजें न्यारी खा ली, तो फिर आपको प्यास ज्यादा लगती है। जब आपको प्यास ज्यादा लगेगी तो लाजिम है आप 1.5 लीटर से ज्यादा पानी पी जाएंगे। तो कोशिश आपने ये करनी है, पानी का ख्याल रखना है और नमक, नमक यानी मसालेदार चीजों का ख्याल रखना है। अच्छा, अब इसके बाद आपने दवाइयां अपने टाइम पे खानी है, और आपको किस चीज का ख्याल रखना है, और खुदा ना खासा अगर आपको दिल की धड़कन ज्यादा महसूस हो रही है सीधे लेटने पे, ज्यादा दिनों में, आप वैसे सीधे लेटते हैं आपको तकलीफ नहीं हो रही, लेकिन कुछ दिनों से आप महसूस कर रहे हैं कि सीधे लेटने में मुझे ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो आपको फिर फौरी वक्त पे अपने डॉक्टर से रुजू करना है और अपनी दवाइयां एडजस्ट करवानी है। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ सवालात ये हैं कि डॉक्टर साहब क्या हम कुछ ये हार्ट ट्रांसप्लांट, बिल्कुल हार्ट ट्रांसप्लांट एक इसका वाहिद हल है कि या तो हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि एक तो टेक्नोलॉजी का इशू है, दूसरा डोनर इशू है। अब टेक्नोलॉजी का इशू ये कि पाकिस्तान के अंदर हमारे पास हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं होता, लेकिन मैकेनिकल हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। तो यूएसए वगैरह में इन जगहों पे हार्ट ट्रांसप्लांट की सहूलत मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट की सहूलत मौजूद नहीं है। लेकिन अब मैकेनिकल हार्ट ट्रांसप्लांट एक मशीन लगा दी जाती है जो दिल के पट्ठे जहां वो कमजोर होते हैं वो उनको असिस्ट करती है। असिस्ट का मतलब ये है कि वो दिल जो आपके आपके दिल के अंदर जो खून है उनका बहाव बेहतर बनाती है, ताकि जो आपका दिल फेल हो गया है, जो आपके खून को आगे की तरफ नहीं फेंक रहा है, वो उसको फिर आगे की तरफ फेंकना शुरू कर देती है। इसको हम एलवेट बोलते हैं, एलवेट। ये पाकिस्तान में सबसे पहले NICVD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवेस्कुलर डिजीज में शुरू हो चुकी है। उन्होंने 5 या 6 डिवाइसेस सक्सेसफुली मरीजों को लगा चुके हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स नमूदार हुए हैं। तो इसका, लेकिन इस डिवाइस का खर्चा बहुत ज्यादा है और लिमिटेशंस होती हैं किनको लगाया जाए किनको नहीं लगाया जाए। तो ये एक हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन है। इसके अलावा एक दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन ये है कि किसी मरीज का दिल का फंक्शन बिल्कुल बैठ गया है और उसको एक दूसरी डिवाइस हम लगाते हैं, उसको हम CRT बोलते हैं। वो क्या करती है, दिल का जो लेफ्ट साइड का चैम्बर है और राइट साइड का चैम्बर है उसको एक साथ धड़काती है। जब उसको एक साथ धड़काती है तो दिल का जो फंक्शन होता है वो बेहतर हो जाता है, उसको हम CRT बोलते हैं। ये CRT का भी काफी कॉस्टली डिवाइस है, ये भी 15 से 16 लाख रुपए की है, ये भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है और उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स नमूदार हुए हैं। तो ये सारे ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं हमारे पास जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। तो अब आज की हम बात करते हैं, अच्छी जिस तरह हम हर बार हम एक बात करते हैं, तो गर्मी का मौसम है, मैं आप लोगों से इल्तजा करता हूं कि आप अपने घर के बाहर प्लीज कोई भी पानी का कोई कूलर हो गया या कोई वो मटका हो गया पानी का भर के रख दें, और इसके अलावा छोटे छोटे जो पॉट्स होते हैं उसमें भी पानी भर के रख दें कि अगर कोई इंसान गुजरता है वो मटके के साथ गिलास भी रख दें कि उसमें से पानी निकाल के पी लें, और दूसरा वो पॉट्स वगैरह रख दें ताकि जानवर और परिंद चरिंद को अगर पानी पीने की जरूरत पड़े तो वो उसको इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद रहेगी आपको इस टॉपिक से काफी मजा आया होगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर हम अगर बात करने के लिए आए तो 3-4 घंटे गुजर जाएंगे। मैंने कोशिश की है कि बहुत छोटे से वक्त के अंदर आपको समझा सकूं। अल्लाह हाफिज।